उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई केस नहीं, जो थी उनका डिसाइड हो चुका है, डिसीजन हो गया, कोई केस नहीं थी। इनका इनकाउंटर ऑल ऑफ सडन जो किया गया, क्यों किया गया, क्या कोई व्यक्तिगत एनिमिटी की दुश्मनी की वजह से या किसी पर्सनल इनहेरिटेंस की वजह से इस प्रकार की वारदात किया गया, क्यों किया गया, मैं जानना चाहता हूँ सरकार से। सरकार इसका जवाब दे या शासन दे, शासन और सरकार एक ही बात है। इनकाउंटर होने का ग्राउंड क्या है ये दिखलाना। इससे पहले टीवी की स्क्रीन पर मैं देख रहा था, 1,00,000 रुपए का इनामी बदमाश बाई एसटीएफ उनको इनकाउंटर किया गया। इससे कंसर्निंग किसी पेपर में भी नहीं दिया है, टीवी के ऊपर भी नहीं दिया है, और न ही किस प्रकार का डिक्लेरेशन घोषणा है। गलत है, इसलिए गलत है, ये शो किया जा रहा है। उनकी माँ हॉस्पिटलाइज्ड है जी, दवा के लिए वो वहाँ गई हुई है, जिसका कि वो देखभाल करते थे लखनऊ की जीएमसी में। अच्छा, थी वो करके, और उनको वो करके डिस्चार्ज किया गया है अभी कल परसों में, कल ही परसों में। अब उसी के संबंधित वो दवा के लिए या दूसरे तीसरे चीज़ों के लिए, क्योंकि इन कोरोना का वो होने की वजह से संक्रमित के वो ना हो पाए, इसलिए वो उसी के दवा वगैरह के बाद में वही वहाँ की देखभाल करते थे, संरक्षित थे, तो उनको ऑटोमेटिकली किसी दवा के लिए या दूसरे तीसरे के लिए जाना था। उनके पास ना कोई गुंडा था, ना ये था, ना इनकाउंटर का सवाल ही नहीं था। अब एक बात, दूसरी बात, ये घर में से निकाल करके ले गया है 3 बजे के लगभग में। तो इनकाउंटर का क्या मतलब, इनकाउंटर का मतलब दो ग्रुप्स, दोनों के बीच में आमना सामना होगा, और उसके बीच में चाहे एक गिरा या उठा, कुछ भी है, यही ना होता है। दो पहलवान। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।